सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ पासी चैम चैलेंज। और गाइस काफ़ी टाइम के बाद ये एक प्रोसीजर वीडियो है और लाइव मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे कैनुलाइजेशन करते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। अगर आप भी कैनुला लगाना सीखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैनुला कैसे लगाना है। वैसे तो गाइस देखिए कैनुला लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो आपने कैनुला लगाया है वो कितने टाइम तक रहता है, जो उसकी वैलिडिटी है वो कितने टाइम तक है, वो इम्पोर्टेंट करती है। कैनुला कोई भी लगा लेगा, लेकिन कैनुला लगाने के बाद जो आपका कैनुला का लाइफ टाइम है ना, जो वो रहता है आउट नहीं होता, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैनुला लगाता हूं। और गाइस जो मेरा कैनुला है वो कम से कम 7 दिन तक आराम से चलता है। तो गाइस वैसे तो कैनुले बहुत टाइप के होते हैं, जैसे 26 नंबर 24 नंबर का। जैसे ये देखिए ये 24 नंबर का कैनुला है येलो कलर का, और ये पर्पल कलर का कैनुला है 26 नंबर का। ये दोनों कैनुले गाइस बच्चों में यूज़ होते हैं। और फिर है हमारा 22 नंबर का कैनुला जो ब्लू कलर का होता है। ये देखिए ये कैनुला है। अब कैनुला भी कई लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे वेन फ्लो, मेडिकेट कैनुला, ठीक है, आईवी कैनुला, ऐसे लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये 22 नंबर का कैनुला है, फिर ये 20 नंबर का, ये ग्रीन कलर का, ये 18 नंबर का है। तो इनका सिलेक्शन किस टाइम पर होता है अलग अलग कैनुले का, तो ये आपकी फ्लूड थेरेपी पर डिपेंड करता है। ऑपरेटिव केस में गाइस 20 नंबर का कैनुला, पिंक कलर का कैनुला लगाया जाता है। और नॉर्मली जो एडल्ट हैं उनमें 22 नंबर का कैनुला, मतलब कि ये जो ब्लू कलर का कैनुला है वो लगाया जाता है। अगर कोई फ्लूड थेरेपी थोड़ी गाढ़ी है, जैसे ब्लड किसी को लगाना है या फिर प्लेटलेट्स लगाने हैं, तो 18 नंबर का लगाना है। ऐसे ही अगर किसी को फ्लूड थेरेपी रैपिडली देनी है, जल्दी देनी है, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया किसी को देना है ऑपरेट के समय में, तो वहाँ पर फ्लूड को रश करना पड़ता है, तो ऐसे में 20 नंबर या 18 नंबर का कैनुला लगाना पड़ता है। सॉरी ये भी मैं आपको बताना भूल गया था, ये 3-way कैनुला होता है। और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 3-way कैनुला कैसे लगाना है। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर आप ऐसी ही प्रोसीजर वीडियोस को देखना चाहते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जो कैनुला है वो कम से कम 7 दिन तक ईजिली चलता है, ठीक है। तो उसका जो पहला मेथड है लगाने का वो है सेप्टिक टेक्निक। ते हैं मान लीजिए आपने स्किन पर अल्कोहल रब नहीं किया है, या फिर आपने जो कैनुला लगाते टाइम आपने आगे टच कर दिया है, या फिर जो स्किन है उसको अच्छे से साफ नहीं किया, या फिर जो आपने फिक्सिंग करी है उसको आगे से टच कर दिया, तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रहती है। और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर रहेगी तो जो आपने कैनुला लगाया है वहाँ पर इन्फेक्शन होगा और कैनुला जल्दी से आउट हो जाएगा। ऐसे ही फिक्सिंग होती है, अगर आपकी फिक्सिंग प्रॉपरली नहीं है, गलत तरीके से आप फिक्स करते हो, तो भी कैनुला नहीं चलेगा और आउट हो जाएगा। ऐसे ही वेन सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कैनुला जॉइंट पर लगाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर भी वैन होती है, यूजली लगाया जाता है, लेकिन अगर आप पीछे लगाएंगे जॉइंट पर तो कैनुला नहीं चलेगा और आउट हो जाएगा। तो वेन सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है, साथ ही मेथड पर और फिक्सिंग पर भी डिपेंड करता है। और हाँ, कैनुला किस कंपनी का है वो भी डिपेंड करता है, आपका कैनुला कितने टाइम तक चलता है। वैसे यूजली गाइज मैं BD कैनुला यूज़ करता हूँ। नॉर्मली कैनुले जो होते हैं वो 20 रुपीज़ के अराउंड के मिल जाते हैं, लेकिन BD का कैनुला थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो चलिए गाइज आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस कैनुलाइजेशन के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी, पहले ही आपने कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो पहला है कि आपको कैनुला फिक्सर चाहिए होगा, और इस वीडियो में तो मैं जो ट्रांसपोर है उससे ही फिक्स करूंगा। साथ ही आपको कैनुले की ज़रूरत होगी तो कैनुला मेरे हाथ में ही है, और टोर्नीगेट की ज़रूरत होगी, तो ये 3 चीज़ें। साथ ही आपको सीप्रेट स्वैब की ज़रूरत होगी, और असिस्ट कराने के लिए अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है तो ठीक है, वरना आप खुद भी
कैनुलाइजेशन कर सकते हैं। पहले तो जो कैनुला लगाना है किस जगह पर लगाना है, साइड सिलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यूजली जो ये एरिया है इस एरिया पर आप लगा सकते हैं कैनुला, यहाँ लगा सकते हैं या फिर यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर जॉइंट ना हो, ठीक है, जो टिश्यूज़ हैं, जो स्किन है वो मुड़े ना, ताकि आपकी जो कैनुले की वैलिडिटी है वो ज़्यादा टाइम तक रहे, ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहे। क्योंकि पेशेंट बीच बीच में आपको हटवाने के लिए भी बोलेंगे, पेशेंट सोएगा भी और पेशेंट के वो कैनुला काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। तो ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर टिश्यूज़ एक ही जगह पर रहें, वहाँ पर उसका दबाव ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैनुला लगा सकते हैं, लेकिन ये मसल्स हिलेंगे, टिश्यूज़ भी स्ट्रेच होंगे और रिलैक्स होंगे, तो आप यहाँ पर वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर चल सकता है कैनुला, इस एरिया पर चल सकता है, ठीक है, थाई पर चल सकता है कैनुला, पैर पर भी चल सकता है कैनुला, लेकिन वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग आइडियल मानते हैं कैनुला लगाने का, यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो यहाँ पर कैनुला मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, नॉर्मली मैं यहीं पर ही लगाता हूँ। और सिंगल शॉट, सिंगल जो प्रिक होता है ना, फर्स्ट प्रिक में कैनुला कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिंपली है कि कैनुला लगाने से पहले आपने टोर्निकेट को अच्छे से बांधना है, जिस एरिया पर आपने कैनुला लगाना है उस एरिया पर टोर्निकेट को बांधना है। जैसे यहाँ पर कैनुला लगेगा तो यहाँ पर इतने एरिया पर आपने टोर्निकेट को लगाना है। अब कई लोगों को टोर्निकेट तो लगा लिया, लेकिन तीन तीन चार चार मिनट तक कैनुला लगाना है तो टोर्निकेट को बांध लेंगे और उसके बाद फिर वो वेन को देखते हैं कि कौन सी वेन पर लगाना है। तो गाइज ऐसा नहीं करना, अगर आप ब्लड का फ्लो रोकते हैं ना तो पीछे से जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ता रहेगा और फिर जब आप उसमें कैनुला लगाएंगे तो कैनुला आउट हो जाएगा। समझ नहीं आया, देखिए जो आपने यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर मैंने टोर्निकेट को बांध लिया है, अब क्या होगा कि जो मैंने टोर्निकेट बांधा है ये ब्लड ऐसे आ रहा है नीचे से ऊपर की साइड में, जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ में लेके जाती है, तो आर्टरीज़ का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो वेन का फ्लो है वो यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो जब यहाँ पर टोर्निकेट बांधा तो जो ब्लड है वो यहाँ पर इकट्ठा होगा और जो वेन है वो डायलेट होगी, जो उनका डायामीटर है ना वो फूलेगा, फैलेगा। तो जितना टाइम पीरियड आप उसको अब्स्ट्रक करके रखेंगे, उसके जो फ्लो है ब्लड का उसको अब्स्ट्रक करके रखेंगे, उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कुछ पीरियड के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पीरियड के लिए करेंगे ना तो कैनुला लगाते ही वो जो वेन है वो ब्लड वेन के बाहर चला जाएगा और जो आपका कैनुला है वो आउट हो जाएगा। आपने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है और स्ट्रेट वेन होनी चाहिए। मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट वेन का ही सिलेक्शन करना है और वेन को पहले फील करें, ठीक है, कि वेन का पल्स प्रेशर कैसा है, वेन सॉफ्ट है कि हार्ड है, सॉफ्ट वेन पर लगाना है, पल्स प्रेशर उसका कैसा है ये भी देख लें। अच्छा पल्स प्रेशर होगा, अच्छी वेन होगी, स्ट्रेट होगी तो कैनुला इजीली लग जाएगा, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं ना तो थोड़ी सी भी वेन भी दिख रही है तो भी आप उसमें कैनुला लगा देंगे। ये देखिए ये जो कैनुला है, पहला है कि गाइज इसको पकड़ने का भी एक मेथड होता है। अब कई वीडियोस में ऐसे कैनुला बताते हैं ऐसे पकड़ने के लिए, जो कि गलत है, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, ठीक है। कैनुला पकड़ना है तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, कैनुले को हमेशा ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है, ऐसे लगाना है। आप चाहें तो थोड़ा सा एंगल भी बना सकते हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना इसका, इसको थोड़ा सा बैंड भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसको बैंड कर दीजिए ताकि आपको एंगल मिल जाए कि कैसे लगाना है। अब ये देखिए जो ये निडल है ना, इसके अंदर ये फ्लैशबैक चैम्बर होता है, ये जो है ये फ्लैशबैक चैम्बर है, ये स्टॉपर होता है और ये है इंजेक्शन कैप, यहाँ से इंजेक्शन दे सकते हैं आप, और इसके अंदर होती है निडल। जो ये कैनुला है गाइस ये स्किन में जाएगी। सपोज करें कि ये जो वैन है, वैन में आपने इतना कैनुला डालना है, ठीक है, डालने के बाद जब आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लड दिखाई देगा, ठीक है, और ब्लड दिखाने के बाद जो नीडल है ना इसको आपने पीछे खींचना है, ठीक है, जो स्टीलर है इसके अंदर का उसको आपने पीछे खींचना है, पीछे इतना बहुत होगा ताकि जो ब्लड है वो बाहर भी ना निकले
और ये जो प्लास्टिक है ना आगे की, ये रबड़ होती है और ये ना वेन को पेंचर नहीं करती, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है और बिल्कुल पेशेंस रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये तरीका होता है लगाने का। अब सीधा मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। तो चलिए लाइव डेमो पर चलते हैं। सबसे पहले गाइज आपने ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि इस पेशेंट की एज प्रोफाइल क्लियर है, इसलिए मैं ग्लव्स को नहीं पहनूंगा। मैं बिना ग्लव्स पहने ही इस पेशेंट को कैनूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले आपने एरिया को क्लीन करना है सीप्रेट से। ओके, टोर्नीगेट को बांध दीजिए। उसके बाद आपने रब करना है सीप्रेट स्वैब से। क्लीन करने के बाद कैनूले को पिक करना है, जिस भी साइज़ का आपने कैनूला लगाना है। यहाँ पर मैं 22 नंबर का कैनूला लगाऊंगा, क्योंकि जनरली यूज़ होता है ये कैनूला। उसके बाद वेन सिलेक्शन है, यहाँ पर ये स्टेट वेन है गाइस, जिस पर ही हम आज कैनूला लगाएंगे। कैनूले को चेक करेंगे सबसे पहले। देखिए आपने कैनूले को चेक करना है निकाल कर, हमारा कैनूला सही है। आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो गाइज देखिए, जो कैनूले को पकड़ने का स्टाइल है, जो तरीका है, वो ऐसे ही है। आपने ऐसे ही कैनूले को पकड़ना है, उसके बाद जेंटली इंसर्ट करेंगे वैन के अंदर। देखिए जो एंगल यूज़ किया है गाइज, वो 15 एंगल का है और यही एंगल यूज़ करना है। स्लाइड जेंटली अंदर डालेंगे और पीछे इसको जो स्टीलर है उसको खींचेंगे। फ्लैशबैक चैम्बर में आपको ब्लड दिख रहा होगा कैथेटर के अंदर, पीछे भी आ चुका है ब्लड। जेंटली पुल करेंगे अंदर। देखिए सेम तरीका है गाइस, जेंटली आपने पुल करना है। और यहाँ पर फ्लैशबैक चैम्बर में भी आपको ब्लड दिख रहा है, इसका मतलब जो कैनूला है वो वैन के अंदर जा चुका है। उसके बाद टोर्नीगेट को खोलेंगे। ओके, तो खोलने के बाद आपने जो स्टॉपर है उसको जेंटली निकालना है और फिर ब्लड का सर्कुलेशन ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर आप मेरे थंब की पोजिशनिंग को देख लीजिएगा। उसके बाद आपने स्टीलर को निकालना है जेंटली, और जो हमारा स्टॉपर है उसको लगा देंगे हम। यहाँ पर आप मेरी पोजीशनिंग देख लीजिएगा, इस जब भी आपने इसको लगाना हो ऐसे ही लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पर विंग्स को भी सही करेंगे हम लोग, ताकि हमारी जो फिक्स है वो प्रॉपरली हो जाए। उसके बाद गाइस जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं इसका ही यूज़ करता हूँ और फिक्सिंग काफ़ी अच्छी होती है। जो कैनूले की वैलिडिटी है वो भी अच्छी है। पहली स्ट्रिप ऐसे लगानी है गाइज, आपने देख लीजिए, ये हमारी ट्रांसपोर्ट की पहली स्ट्रिप लगी है। ओके, तो दूसरी स्ट्रिप भी ऐसे ही लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए गाइज, इसकी जो पोजीशन है ये ऐसी होगी। अब हम तीसरी स्ट्रिप को लगाएंगे। देखिए आपने दो पार्ट करने हैं और नीचे की साइड से आपने लेके आना है, देखिए कुछ ऐसे, और ऐसे आपने लगाना है। ये पोजीशनिंग रहेगी हमारी थर्ड स्टिप की। ओके, तो जो दूसरा पार्ट है वो भी हम ले लेंगे, और आपने जो दूसरा पार्ट है उसको ऐसे लगाना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे जो फोर्थ स्टिप है उसकी ये पोजीशनिंग रहेगी गाइज। उसके बाद हम लास्ट स्ट्रिप लेंगे। ओके, तो बीच में से आपने थोड़ी सी जगह बनानी है और इंजेक्शन पोर्ट के ऊपर से आपने इसको लेना है और इंसर्ट करेंगे। ओके, और फिर आपने इसको लगा देना है, देखिए ऐसे। और डेट्स इट गाइस, जो हमारा कैनूला है वो फिक्स हो चुका है। उसके बाद आपने इंजेक्शन या आईवी लाइन लगानी है, वो ऐसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे हाथों की पोजीशन, इंजेक्शन पोर्ट से आपने पकड़ना है एक साइड से और एक साइड से स्टॉपर को, और फिर हम जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन को ब्लॉक करेंगे। थंब की पोजीशनिंग आप देख लीजिएगा। स्टॉपर को निकालने के बाद आईवी लाइन ऐसे लगानी है, और यहाँ पर फिर से आपने ऐसे ही इंजेक्शन पोर्ट को पकड़ना है, जो कैप है उसे, और उसके बाद हम लगा देंगे स्टॉपर को इसके ऊपर। ओके गाइस, तो हमारी जो आईवी लाइन है वो रेडी हो चुकी है और हमारा कैनूला है वो भी रेडी हो चुका है। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।